नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट दोस्तों जो है वो जियो की तरफ से, रिलायंस जियो की तरफ से रिक्रूटमेंट है। पोस्ट का नाम है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और हर साल की तरह इस साल भी आवेदन मांगे गए हैं। पिछले साल जो थे वो मार्च में आवेदन मांगे गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है इस साल इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है और अभी जो है 22 मई 2020 से आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ही जो है वो ईमेल के थ्रू जो है वो बताया जाएगा कि वो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, शॉर्टलिस्टेड नहीं होते हैं, उनको किसी भी तरह की जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के जो है आवेदन करिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन एलिजिबल है, सभी चीज़ों के बारे में। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो जॉब अपडेट है उसकी जानकारी आपको टाइम पे मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों रिक्रूटमेंट जो है वो 22 मई को पोस्ट करी गई है। 22 मई से आवेदन शुरू है। जो आपकी लोकेशन रहेगी वो मुंबई में रहेगी, लेकिन अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। बिना किसी फीस को दिए हुए आपको आवेदन करना है, एक रुपया भी फीस आपको जो है वो नहीं देनी है। बीई बीटेक करी हुई है यानी कि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, आप इलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अगर स्किल्स आप रीड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पे आके ये चीज़ें रीड कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो है यहाँ पे आके ही जो है ये चीज़ें रीड करनी पड़ेंगी। बाकी अगर जो है आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट। ये रिक्रूटमेंट दोस्तों जो है वो पिछले साल मार्च में निकाली गई थी, लेकिन अभी जो है वो 22 मई को निकाली गई है। तो हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यू हो सकता है एग्जाम ना हो सकता है इंटरव्यू जो है वो आपका ऑनलाइन लिया जाए। तो ये सारी जो है वो पॉसिबिलिटीज है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक कर देंगे वेबसाइट आपको यहाँ पे ले आएगी। यहाँ पे आपको जो है अपना ईमेल पासवर्ड नहीं लगाना है, आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। हाँ, अगर आप पिछले साल भी अप्लाई कर चुके हैं फिर तो आपके पास जो है वो लॉगिन होगा, आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है यहाँ पे आके दोबारा से अपना क्रिएट करना पड़ेगा। ईमेल लगाना है, दो बार पासवर्ड लगाना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ और अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे फोन नंबर और कंफर्म कर देना। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा, उसको आपको फिल करना है और उसमें आपका रिज्यूमे जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी सारी जानकारियाँ फिल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं आपको जरूर आंसर दे दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल जो है वो नोटिफिकेशन धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी ऐसी कोई अच्छी नोटिफिकेशन नहीं आई है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात कर सकें। और अगर कोई आएगी वो चाहे प्राइवेट रिक्रूटमेंट हो चाहे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट हो, मैं आप तक जरूर जानकारी पहुँचाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इस जियो की जो है वो जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लोकेशन आपकी जो है वो मुंबई में रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जॉब अपडेट आपको जो है वो टाइम पे मिल जाए। और मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।